जंप मारा यहाँ से नीचे खेतों में, वहाँ नीचे मिला, वहाँ नीचे कैमरा पे नहीं। मतलब किस्मत सही रही कि हम लोगों ने गार्ड लगाया था एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे गांव में माँ राजराजेश्वरी चंडिका देवी और मला शक्ति जो पधारने वाली है। दादी नमस्ते। तो अभी जा रहा हूँ मैं गाँव की तरफ, तो खुशी की बात है गाँव वालों के लिए, ग्राम सभा के लिए, जो हमारे यहाँ पे आज शक्ति आ रही है। तो चलते हैं और मैं और सोनू पहले टेंट लगाने का देखते हैं, टेंट लगाने का, साउंड लगाने का, फिर जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा हमारे गांव में। आज डोली कल रात रुकी थी गाँवली, आ जाएगी कोलियाना उसके बाद हमारे गांव में डांगीधार में। तो रास्ते की सफाई भी अच्छी हो रही है यहाँ पे और फूल भी देखो फूल चुके हैं, फूल फूल खा जाने वाला है ना क्योंकि फूल संक्रांत। तो चलते हैं फिलहाल टेंट लगाते हैं। तो टेंट है श्री राधे कृष्णा टेंट एंड साउंड, कैटरिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो संपर्क आप कर सकते हैं कैसन वाले, या दूर भी हो डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए चलते हैं फिलहाल सोनू से मिलते हैं और टेंट लगाते हैं थोड़ा सा, जो कि आज की सेवा निःशुल्क दी जाएगी उनकी तरफ से। चलिए तो यहाँ पर रुकने वाले आज देवता दादी लोग घर पर यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टेंट लगना है। ये अवनी, अवनी हेलो बोल दी। हेलो हेलो हेलो। अरे दादी नमस्ते। नमस्ते भैया। तो सजावट हो गई आज, बढ़िया से स्वागत होगा देवी का जो। हाँ। जबरदस्त स्वागत। क्या बोला तुम अभी नहीं बोला? हाँ बर्त बोल रहा तो बर्तन रखे हैं, तो देवी नहीं आ रही। हाँ बर्तन भी आ चुके हैं देखो यहाँ पे पंचायती बर्तन, इनमें जो है आज जय प्रसाद खाया जाएगा, आज प्रसाद खाया जाएगा। क्या आप तैयार हैं आज के ब्लॉग के लिए? हाँ बोल देवी की स्वागत। हाँ टेंट वगैरह लग गया सब कुछ, अभी जो है बाजे तैयार हो रहे हैं। देवता पहुंच चुके हैं अभी तलगवाड़ में। तो हमारे गांव की महिलाएं जो है तैयार होके आ चुके हैं, सभी के सभी आप लोग देख सकते हैं, सब तैयार होके आ गए। कलश को आजमा, अरे कलश ही जो यो कलश बस ना, और कलश इचियो दीपाची टीली जाना मम्मा मां बोल चलो फोन कर, वो मंदिर भी लाएंगे कलश भाई अगर कुछ इनका कलश को आजमा। अच्छा तुम्हारा कलश। तो अभी चल रहे हैं देवता को लेने के लिए, डोली को लेने के लिए। तक रख दे चुके हैं। कौन पहुंच चुके हैं? मनोज फनियाल ब्लॉग्स। देख आपने जब भी मेरा शूट करना है बिल्कुल क्लोज अप लेके करना है, बिल्कुल ऐसे। हाँ। और ये रोहित भाई इनके हाथ में ड्रोन, एक मस्त वाला ड्रोन शॉट आएगा अभी। तो दोस्तों अभी डोली पहुंच चुकी है ऊपर सैंड में, तो अभी स्वागत की पूरी तैयारी, उसके बाद जाएंगे चौक में। तो क्या पता लाडू देवता के मंदिर से मैं जाएंगे कल सुबह, जाएंगे पता नहीं कब जाएंगे, और जाएंगे ज़रूर। तो आने वाले देवता लोग यहाँ से बाजे तैयार है अपने। हाँ सारे मेरे तैयार है, मनोज भाई का ड्रोन तैयार है, सब लोग यहाँ खड़े हैं इंतजार में। चलिए
पार्टी में। ड्रोन और अभी जो है मिल चुका है ड्रोन, कहाँ गया था नीचे खेतों में गश्त करने, तो मिल चुका है फिलहाल, कोई नुकसान है नहीं। कैमरा पे नहीं होना एक्चुअली, मैं बताता हूँ जो ये गार्ड है ना कैमरा पे नहीं होना, किस्मत सही रही कि हम लोगों ने ये गार्ड लगाया था। एक्चुअली बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा आपकी बाप रे, सुनो यहाँ पे हालत खराब हो गई थी, ऐसा जंप मारा यहाँ से नीचे खेतों में, वहाँ नीचे मिला हुआ है नीचे लो बैटरी, वो बता दिया था उसमें।
हिमाचल दोबारा बोल यार भी तो पूरा होने पहले ही नहीं चलेगा चलेगा भाई ब्लॉगिंग ऐसी ही होती है। ये नहीं चलेगा क्या यार? ये वाला नहीं चलेगा क्या? ये चलेगा, ये भी चलेगा बोल भाई। ये जूम करके जो है अपने घर को लेके फोटो खींच लिया हमने। देखो यहाँ, देखो देखा आदि वाले। अरे यार नाइस नाइस। जैसे विजित किया तो पीछे हो रहा है भजन कीर्तन। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो भजन कीर्तन अभी कर रही हैं। और ये देवता के निशान है यहाँ पे, ये चौक है जहाँ पर रात को देवता नाचेंगे। और सामने मनोज भाई की ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे। और इधर को जो है रात का खाना बन रहा है, तो रात का भोज बनेगा। उसके बाद जो है अभी तो मैं नहीं बता सकता आपको क्या करके, क्योंकि अभी जो ब्लॉग कल आएगा, परसों आएगा, कब आएगा पता नहीं। पर आपको भी आना चाहिए था वैसे आज के दिन में, मज़ा आता बिल्कुल डांगीधार में। मनोज भाई कैसे डांगीधार? अरे ऑसम दिखाई नहीं पूरा, कहाँ से पता चलेगा? ऑसम ड्रोन से दिखाओगे ना? पूरा ले ड्रोन से दिखाया पूरा। रोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी फोटो खींची रोहित भाई ने आज। तो यहाँ पे रोहित भाई बहुत सारी फोटो खींची डी एस एल आर के साथ, मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया मज़ा। तो दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं घर पे, और देवता की डोली जो है विश्राम करे फिलहाल। और आज रात को जो है वहाँ पे स्वांग रचाए जाएंगे और देवता नाचेगा वहाँ पे, डोली नाचेगी। डोली तो ये नाचते मेरे ख्याल से निशान नाचते हैं, और जो सात माए हैं एराव बोलते हैं उनको, तो वो भी नाचेंगे, सॉन्ग लगाएंगे। तो कल जो है देवता जाने वाले हैं मालसी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल वाले ब्लॉग में आपको आज रात का वीडियो और कल दिन का वीडियो जब देवता जाएंगे उनकी विदाई का वीडियो मिलेगा। तो कल वाली वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कहाँ से देवता आ रहा था और कहाँ भ्रमण करके देवता आ रहा है अभी, और देवता की डोली अभी कहाँ जाएगी। देवी की डोली जो है माता जी ठेकी जो डोली है वो कहाँ जाएगी लास्ट में, एट लास्ट, और कल मालसी जाएगी। प्रकार से देवता लोगों का जो स्वांग लगा, जो नृत्य हुआ, वो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। और ये छोटा सा वीडियो था, इसका पार्ट टू आएगा कल, ये इसके बाद वाले ब्लॉग में आएगा। तो कल जो है देवता की विदाई यहाँ से होगी, और कल है 1 मार्च। तो चलिए ऐसा कुछ दिन था और ऐसा कुछ ब्लॉग था आज का, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और कल वाला ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, इसलिए उसको देखना पक्का, उस वाले ब्लॉग को जो आएगा, ठीक है? तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।